हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 और उसकी डेट क्या है, 3rd September 2020। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की वर्कशीट आई थी वो वाली, तो आप इसको आगे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ना ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का, ये उसी में से एक्सट्रैक्ट है। वो पहले का था और ये उससे अगला है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो ट्रिकी था, एक स्मॉल डॉग था और वो पैम्पर्ड करा जाता था, ओवरफीड करा जाता था उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा, है ना। हमने पढ़ा था मिसेस मेम्प्रे थी उसकी मालकिन और वो उसको बहुत दुलार करती थी और बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया करती थी। ही फॉल सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार हो गया एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन और उसके वेटरनरी सर्जन से उसकी जो मिस्ट्रेस थी मालकिन थी उसने कंसल्ट किया। डॉक्टर हेरेड जो नरेट कर रहे हैं इस स्टोरी को, डॉग के ट्रीटमेंट की, वो देखिए डॉग कैसे रिकवर होता है। तो आप समझे कि जो मिस्टर हैरियट हैं, जो डॉक्टर हैरियट हैं, उन्होंने ही इस चैप्टर को नरेट करा है। वो ही तो मतलब इस चैप्टर के राइटर कौन है, डॉक्टर हैरियट, और उन्हीं ने डॉग का ट्रीटमेंट करा था। ठीक है, तो देखते हैं डॉग कैसे रिकवर होता है। ये है इसका रीकैप। मिसेस पेम्प्रे अपने पेट को बहुत प्यार करती थी, इतना ज़्यादा करती थी कि वो क्या करती थी, यूजुअली उसे ओवरफीड कर दिया करती थी, ज़्यादा खिला दिया करती थी। सी ऑल्सो हैड बिन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुड नॉट ईट, ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सर्जिस, और वो उसको वो चीज़ें भी देती थी जो उनको नहीं खिलाने चाहिए थी, कि जिसकी वजह से जो ट्रिकी था वो कैसा हो गया था, फूल के गुब्बारा, मतलब ब्लोटेड सोसेस एक फूले हुए कबाब की तरह हो गया था। ठीक है, आप देखते हैं आगे की जो ये लाइंस हैं ये क्या कह रही हैं हमें। अब मिस्टर हैरिड बोलते हैं, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब मैंने गंभीर होने की प्रयास किया। नाउ रियली मीन दिस, अब मेरे कहने का सचमुच मतलब है, और वो किस से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मिसेस पेम्प्रे से, कि मेरे कहने का सचमुच मतलब है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुमने अभी उसका खाना कम नहीं करा, एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सचमुच बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल को कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक कठोर डाइट पे रखना पड़ेगा, मतलब जैसे मैंने बोला है वो खिलाना पड़ेगा, ये नहीं मिठाई खिला दी, कॉम्प्लेन खिला दी, ये सब। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, मिसेस पेम्प्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पेम्प्री ने अपने हाथ रगड़े। ओ आई विल, अरे हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, और मुझे यकीन है कि आप ठीक कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये इतना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कुत्ते का कुछ खाने का मन कर रहा है डॉग का, वो मना करेगी क्योंकि वो इतना प्यार करती है, तो उसके लिए इसलिए मुश्किल है बच्चों। सी सेट ऑफ, और वो जाने लगी, हेड डाउन, हेड नीचे कर लिया, अलोंग द रोड, रोड पे, एज ही डिटरमिन टू पुट द न्यू रेजीम इन टू प्रैक्टिस, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब जो उसने निश्चय किया है उसको अब वो प्रैक्टिस में लाएगी, मतलब अब वो जैसे डॉक्टर ने बोला है उनका कहना मानेगी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्प्रे, और मैंने सोचा अब ज़्यादा टाइम नहीं है जब मिसेस पेम्प्रे के घर से मुझे बुलाया आएगा द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो ऐसा मैंने सोचा था, जैसे मैं एक्सपेक्टेशंस थी उसके अनुसार वो जो कॉल है मुझे कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पेम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट, और मिसेस पेम्प्रे बड़ी दुखी थी, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और उसने अपनी मनपसंद चीज़ें भी खाना बंद कर दिया था, एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको भर भर के उल्टियाँ लग रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पांटिंग, वो अपना टाइम पड़े पड़े, जो वहाँ पे फ्लोर पड़ा हुआ था उस पर पड़े पड़े बिता रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान एडवांस में बना रखे थे, पहले से ही बना रखे थे, क्योंकि पता था कि कॉल आने वाली है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ fortnight टू कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और मैंने सजेस्ट किया, सलाह दी कि इसे
ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, हॉस्पिटल में रखना चाहिए, और कितने दिन के लिए, 4 नाइट मतलब कि 15 दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन मेरे निरीक्षण में, मतलब निरीक्षण में डॉक्टर के। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, और जो बिचारी औरत, कौन बिचारी औरत, ये मिसेस पैम्परे तो लगभग फेंट ही होने वाली थी, बट आई टुक अ फ्रेम लाइन, लेकिन मैंने अपने को एक कठोर बनाए रखा, दृढ़ निश्चय लिए रखा कि ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल यही तरीका था उसको बचाने का कि वहाँ से उसको दूर करा जाए। इनफैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सच में मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा है कि इसको अब बिना देरी करे हुए यहाँ से ले जाया जाए। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने अपनी कार बाहर निकाली और जो छोटे कुत्ते को किसमें ब्लैंकेट में रैप कर लिया, मतलब लपेट लिया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने कार चलाना शुरू करा एज अ मूव डॉग, और जब मैं चलने लगा मिसेस पैम्परी विद अ डेस्पेरिंग क्राई और एक निराशा भरी चिल्लाहट के साथ थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट उनको फेंके थ्रू द विंडो, विंडो से फेंके, किसके कोट थे बताओ, वो कोट थे ट्रिकी के, छोटे छोटे कोट फेंके कि जिससे उसके आराम में कोई कमी ना रह जाए हॉस्पिटल में। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जब मैं चला रहा था गाड़ी को और कोना आया तो कोने में मुड़ने से पहले मैंने पीछे देखा, क्योंकि जब हम कोने में होते हैं तो हम पीछे का सारा कुछ देख सकते हैं। तो कहता है एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर एक कोई आंसुओं से आंसू थे हर एक की आँख में, हर एक कोई कौन, जो मिसेस पैम्परी के जो वो होंगी मेड्स होंगे, जो सर्वेंट्स होंगे, वो सारे लोग कहते रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन द पैथेटिक एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, और फिर मैंने एक ग्लांस होता है नज़र भर के देखा, एक नज़र दौड़ाई किसके ऊपर, पैथेटिक मतलब दयनीय, मिजरेबल कंडीशन के में जो एक छोटा एनिमल बैठा हुआ था मेरे पास, मेरी साइड में, मैंने उसको देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक बड़ी हिम्मत करके अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश करी। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा लड़का, ये लैड किसके लिए यूज हुआ है, डॉग के लिए यूज हुआ है। आई सेड यू हैव नॉट किक इन यू, और मैंने बोला कि लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई किक नहीं बची, उछाल नहीं बचा, किक मतलब एक्टिवनेस नहीं बची, तुम सजीव नहीं लग रहे, बिल्कुल बेजान पड़ रहा था ना, पड़ा था ना वो। एंड आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, और मुझे, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे, मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। ठीक है, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके आंसर्स, अब तो आप फटाफट कर देंगे इसके आंसर। चलिए देखते हैं, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर, अब ये बताइए जो स्पीकर हैं, जो मिस्टर हैरिट बोल रहे हैं, वो अपने आप को क्यों गंभीर दिखा रहे थे, तो इसका आंसर हम लिख देंगे, मिस्टर हैरिट न्यू द रियल कॉज ऑफ ट्रिकीज प्रॉब्लम, उन्हें पता था कि असली कारण क्या है ट्रिकी की प्रॉब्लम का। He found that the only fault of Tricky was his greed or of food, और उन्होंने पाया था कि केवल Tricky का एक ही fault है, और वो क्या है, उसका लालच खाने के लिए। So he gave strict instruction to Tricky's mistress Mrs. Pampre, इसलिए उन्हें Mrs. Pampre को strict instruction दिए थे Tricky की मालकिन को। He asked her to cut his food right down, उन्होंने बोला था कि इसका खाना अभी कम करो। He also recommended giving him more exercise and giving him on a very strict diet, और उन्होंने ये भी बोला था कि इसे एक्सरसाइज कराओ और स्ट्रिक्ट डाइट दो। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, तो बताओ एडवाइस किसे दी गई और क्यों दी गई, तो ये भी हमें पता है, डॉक्टर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू स्टॉप ट्रिकी फ्रॉम ओवर फीडिंग एंड जस्ट फीड हिम पेनल्टी ऑफ वाटर एंड गिव हिम एक्सरसाइज टू मिसेस पैम्परे, डॉक्टर ने एडवाइस दी ट्रिकी को ज़्यादा मत खिलाओ, पानी दो और उसे एक्सरसाइज कराओ, किसको दी, मिसेस पैम्परी को, क्योंकि मिसेस पैम्परी उसे क्या करती थी, उसकी सिचुएशन में पूरा ध्यान रख रही थी ट्रिकी का और उसकी डाइट का। तो सेकेंड का आपका ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद हुम, स्पीकर कहाँ जा रहा था और किसके साथ, स्पीकर कौन है, डॉक्टर हैरियट है, तो मिस्टर हैरियट या डॉक्टर हैरियट कुछ भी लिखिए, मिस्टर हैरियट भी लिख सकते हैं।
मिस्टर हैरियट वॉज गोइंग विद ट्रिकी टू द सर्जरी। मिस्टर हैरियट कहाँ जा रहे थे? ट्रिकी के साथ जा रहे थे और सर्जरी में जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे? टू क्योर C-U-R-E क्योर द डॉग, है ना, टू क्योर द डॉग। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई वाज एवरीबॉडी इन टीयर्स। ठीक है, हर एक टीयर्स में क्यों था। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन बताया था ना, ये कंप्लीट है बच्चों, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, आप देखते हैं हर एक टीयर्स में क्यों था। एवरीवन वर इन टीयर्स, हर एक आंसुओं में था, क्योंकि जो वेटरनरी डॉक्टर है वो ट्रिकी को लेके जा रहा था हॉस्पिटल कुछ टाइम के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और वो उसके बिना रहते नहीं थे, तो वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो वेटरनरी डॉक्टर उसको वहाँ से लेके जा रहे थे ट्रिकी को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टू हूम एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड। स्पीकर ने किसको कहा और क्यों कहा पुअर ओल्ड लैड। तो हमें तो पता है डॉक्टर हैरियट सेड ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को बोला था पुअर ओल्ड लैड, यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे अंदर किक तो नहीं है पुअर ओल्ड लैड, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आफ्टर सीइंग, क्यों बोला था उन्होंने, आफ्टर सीइंग द पैथेटिक कंडीशन ऑफ ट्रिकी की दयनीय स्थिति देखने के बाद ही वॉज नॉट इवन इन पोजिशन टू मूव लाइंग लिस्टलेस, क्योंकि जो वो डॉगी था वो बिल्कुल लिस्टलेस पड़ा हुआ था, बेजान पड़ा हुआ था, वो इस पोजिशन में भी नहीं था कि हिल सके। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके फिफ्थ क्वेश्चन का। आप देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सिक्स में आपको पूछा है व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो, कौन सा इलाज था हैरियट के पास, क्या जानते थे कि किस तरीके से करना है। तो मिस्टर हैरियट न्यू दैट द ओनली वे टू सेव ट्रिकी टू टेक हिम अवे फ्रॉम मिसेस पैम्परे। मिस्टर हैरियट को पता था केवल एक ही तरीका है ट्रिकी को बचाने का कि मिसेस पैम्परे से अलग लेके जाओ, क्योंकि वो क्या करती थी, एस सी वॉज ओवर फीडिंग हिम इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर हैरियट्स वार्निंग। डॉक्टर हैरियट की वार्निंग के बावजूद वो उसको ज़्यादा खाना खिलाती रहती थी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिक्स क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं ये वाले, इसमें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं आपको। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, एक ऐसा वर्ड ढूंढ रहे हैं पैसेज से जिसका मतलब सेम है। देखिए सीरियस, सीरियस का मतलब क्या है हमने पढ़ा था कि कौन से, वो जो मिस्टर हैरियट है ही वॉज ट्राइंग टू बी सीवियर, वो सीवियर होने की, गंभीर होने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे ट्रिकी की हालत ख़राब है। आप पैरा टू में देखना लिखा हुआ है। बी प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, अगर हम किसी को कोई कोर्स बताते हैं कोई एक्सरसाइज या डाइट तो उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन या रिजीम, तो उसको बोलते हैं हम रिजीम। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ये भी, हमारा पैरा थर्ड में है, आपको देखो आपको मिल जाएगा। देखिए अब जब वो ट्रिकी, जब वो जो फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, जब हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इमोशनल हो जाते हैं और हम गिरने लगते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिस्टलेस बोलते हैं या सूंड, सूंड बोलते हैं। जब हम बेहोशी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ, तो इसका आंसर आएगा आपका ये। मैंने लिखे भी हुए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप इसको देख लो। एक्सट्रीमली वरिड, जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो क्या होता है, डिटर्मिंड होता है, बिल्कुल नहीं है, तो दृढ़नेश होते हैं, ये होता है डिस्ट्रॉट, जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अ पीरियड ऑफ टू वीक्स के टाइम को क्या बोलते हैं, मंथ। अरे तुम्हें तो पता ही है 30 दिन को मंथ बोलते हैं, तो 15 दिन को तो फोर नाइट बोलते हैं, हमने पढ़ा तो पैराग्राफ फोर में। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ द अपोजिट या एंटोनियम ऑफ, इनके एंटोनियम का मतलब भी उल्टा होता है और अपोजिट का मतलब भी उल्टा होता है। तो आप बताओ, हार्डन्ड इन्होंने दिया है कठोर होना, तो इसका जो एंटोनियम है उल्टा क्या होगा, टफ होना। टफ तो हार्डन्ड का ही सिनोनियम लग रहा है, उसके जैसे ही है, तो सॉफ्टन्ड, मुलायम होना, हार्डन्ड का हो जाएगा सॉफ्टन्ड। और चीयरफुल होता है खुश होना, तो खुश होने का डिसपेयरिंग तो हो नहीं सकता है, तो दुखी होना, सॉरी डिसपेयरिंग हो गया, क्योंकि ये दुखी होना है और ये खुश होना है, क्योंकि हमें देखना है एंटोनियम, एंटोनियम। और चीयरफुल तो मैरी
का मतलब क्या होता है, चेयरफुल तो मैरी का सिनोनियम है, खुश होना, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, डिसअपीयरिंग। ठीक है, आप देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है बच्चों आपके लिए, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे देख लो, सीवियर, रिज्यूम, स्वीन, डिस्ट्रोट, फोरनाइट, और अपोजिट वर्ड्स भी सॉफ्टन और डिस्पेयरिंग। ठीक है बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट 26। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस के लिए, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।